वाओ, क्या नाम है इसका? 9mm पिस्तौल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे वेंचर्स। गाइस, आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। यहाँ आज तुतिंग में एक प्रोग्राम इंडियन आर्मी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, स्वर्णिम विजय वर्ष नाम से। तो यहाँ पे उन लोग का जो वेपन्स और आर्म्स का डिस्प्ले हो रहा है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये देखिए, ये है तुतिंग का जनरल ग्राउंड और यहाँ से ये एंट्री वे मतलब बनाया है। यहाँ पे ये मेन गेट, यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिब्रेशन ऑफ स्वर्णिम विजय वर्ष 2021 टू कॉमेमोरेट 50 इयर्स ऑफ विक्टोरी। और जैसे कि आप लोग को बताया, ये इंडियन आर्मी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और नीचे ये लिखा है वेपन्स डिस्प्ले। तो चलिए अंदर चलते हैं। और गाइस, हम अपना स्टूडेंट्स को साथ में लेके आए यहाँ पे ये डिस्प्ले को देखने के लिए। तो ये है फार्स स्टॉल, देखिए। और ये सर यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करके दे रहे हैं कैसे इसको यूज करते हैं। यहाँ पे इनका नाम है अंदर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, ये ग्रेनेड लॉन्चर है। ये है लाइट मशीन गन, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। और ये उसका मैगजीन। अभी इधर देखते हैं क्या क्या है। वाओ, क्या नाम है इसका? 9mm पिस्तौल। और यहाँ में क्या है थोड़ा दिखाओ, मैगजीन है। थोड़ा मैं भी छू के देखता हूँ, बोट भर रही हो। और गाइस, यहाँ पे एक बड़ा सा एक लॉन्चर, ये है रॉकेट लॉन्चर। अभी ये सर थोड़ा बता रहे हैं। मैं भी हूँ इस YouTube चैनल में, जिमी पटेल। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस, इसका नाम आप लोग को अच्छा से दिखाता हूँ, 84mm रॉकेट लॉन्चर। सर मैक्सिमम कितना डिस्टेंस है हम लोग टारगेट लगा सकते हैं सर इससे? हाँ, 100 मीटर। ओके गाइस, यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट्स लोग आया है यहाँ देखने के लिए, सबको लाइन अप कर दिया और यहाँ पे छोटा सा एक प्रोग्राम होने वाला है। ये अलग अलग स्कूल का स्टूडेंट्स भी आ गया है और जो भी पब्लिक है उनको भी लाइन अप करवा दिया। ये हमारा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक ड्रोन भी उड़ाया है। गाइस, उधर में एक स्टेज लगा दिया है।
तो कुछ प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे। आपका दाहिना हाथ को आगे रखते हुए मेरे साथ प्रतिज्ञा बोलेंगे। तो गाइस आप लोग को बता देता हूँ, अभी विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है, तो इसी रिगार्डिंग यहाँ पे एक प्लेज होगा। अंकल बोलेंगे, उसके पीछे बोलना है, ठीक है? ओके, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा, ना तो रिश्वत लूंगा ना ही रिश्वत दूंगा। तो गाइस वो प्लेस खत्म हो गया, अभी फिर से हम लोग देखते हैं क्या क्या वेपन्स रह गया था ये स्टॉल में, अभी देखते हैं। ये रशिया, यहाँ पे लिखा है ड्रैगनोव स्नाइपर रशिया। जब लोडेड रहेगा तो 4.1। ठीक है गाइस, अभी दूसरा वेपन्स देखते हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। ये सर यहाँ पे लिखा है 7.62 mm। सर इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमनली क्या बोलते हैं सर? 7.62 mm मीडियम मशीन गन। ओके, तो ये MMG मतलब मीडियम मशीन गन। तो इसको सर एडजस्ट कर सकते हैं ना? हाँ, इसका पोजीशन घुमा सकता है, कहीं भी इसको वाओ। इसका टोटल रेंज है 1800 मीटर तक है, और इसका गोली 3900 मीटर तक इसका गोली जाता है। और इसका टोटल रेट है 24.7 kg है, और एक गन और ट्रैकर को हम अलग कर सकते हैं कैरी करने के लिए। ये गन का वेट है 10.2 kg है, ट्रैकर का वेट है 4.2 kg। और हम यहाँ पे बोले तो हम यहाँ पे तो सर ये मूवी में जो हम लोग देखते हैं, जो ये व्हीकल के ऊपर भी लगाते हैं ना इसको? हाँ, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का बुलेट, तो जिसको भी सूट है जल्दी आके बैठेगा वो, चलो शाबाश दौड़ के आ जाओ आ जाओ। तो गाइस ये है बुलेट, आप लोग को पता ही होगा, पहले में जो रॉयल एनफील्ड हम लोग इंडियन आर्मी के लिए बनाया करता था, तो इस वजह से ये एकदम पुराना वाला जो रॉयल एनफील्ड का। बच्चे यहाँ से भेजो सेंटर के लिए, चलो जाओ सेंटर, यहाँ पर जाइए प्लीज जल्दी जल्दी। चले आइए आइए। और गाइस यहाँ पे एक बोर्ड रखा है और इसमें लिखा है माय फीलिंग टुवर्ड्स आर्मी। तो यहाँ पे जो भी पब्लिक या जो भी विजिटर्स है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं हम लोग का इंडियन आर्मी को, तो यहाँ पे सब लोग अपना जो भी मन का बात है या बेस विशेष यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं।
पूरा सर ना सर। और इधर में भी सेम हुए तीन विशेष तो इंडियन आर्मी और ये बोर्ड में क्या है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिक्रूटमेंट के लिए एक बार तो ऐसे ही बोल सकते हैं। और यहाँ हम लोग का इंडियन आर्मी में रिक्रूट होने के लिए क्या क्या ज़रूरत है और उसके बारे में डिटेल्स भी शेयर किया है। जितने भी बड़े बच्चे तो गाइस ये है सेल्फी पॉइंट्स। सब टीचर्स इधर में आप पीछे खड़ा होके यहाँ पे ले सकने के लिए ये फैसिलिटी दिया है। प्लीज टीचर्स आपको रिक्वेस्ट है फोटो के लिए आए। पठानकोट श्रीनगर अवंतीपुर उत्तर लाइन जोधपुर अंबाला एंड आगरा दो ग्राउंड फोर्सेज आर शेलिंग आवर डिफेंस पोजीशन इन सुलेमानकी खेमकरन तो गाइस बस इतना ही। अभी सब कवर कर लिया सब स्टॉल्स और जितना भी मतलब आर्म्स था सबको आप लोगों को दिखा लिया और अभी स्विच डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और फोटो सेशन भी चल रहा है। यहाँ पे एक ड्रोन चले अभी ये स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मुझे भी एक देना पिज्जा। ए लो 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 एक ही चाहिए मुझे। चलो सब लोग फिर से लाइन अप हो जाओ लाइन अप हो जाओ लाइन अप हो जाओ। तो गाइस अभी हम यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया एंड आई होप आप लोग ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सी माय नेक्स्ट ब्लॉग।